इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1, ये परपेंडिकुलर है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2, ये v1 वेक्टर लिख लो, ये v2 वेक्टर है वेलोसिटी। और जो नेट वेलोसिटी आएगी तुम्हारी वो है तुम्हारी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। v1 v2 तुमको पता है, ठीक है, v1 v2 अननोन नहीं है। देखो, इफ द नेट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर देन फाइंड एंगल थीटा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ v नेट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी। इफ द नेट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर देन फाइंड एंगल थीटा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी। तुम्हें v1 v2 पता है, तुम्हें थीटा और v नेट नहीं पता, पर तुम्हें ये पता है कि v नेट का डायरेक्शन तुम्हें पता है। तो अब तुम्हें v नेट की वैल्यू बतानी है और थीटा बताना है। करो, v नेट दिया है, v1 और v2 वेक्टर को ऐड करने पे आ रहा है। तो देखो, कंपोनेंट है ना, सारी चीजें कंपोनेंट से करनी है ना। ज्योमेट्रिकल एडिशन तो हम शायद ही कभी यूज करते हैं, हर जगह हम कंपोनेंट वाली मेथड यूज करते हैं, इसलिए हमने कंपोनेंट निकालना सीखा। तो मैंने ये भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसके कंपोनेंट निकालते हैं v1 और v2 के। तो इसको मान लो ये तुम्हारा x डायरेक्शन जैसा हो गया, ये तुम्हारा, तो v1 तो ऑलरेडी x में हो गया, इसके निकालते हैं। तो इसका इस डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट, v2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, v2 cos थीटा। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, देखो, तो जो v नेट वेक्टर है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है, v नेट वेक्टर इज नथिंग बट v1 माइनस v2 sin थीटा आई कैप। देखो, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, v1 माइनस v2 sin थीटा आई कैप प्लस v2 cos थीटा j कैप। नहीं आया समझ में, स्टेप्स में लिखे हैं, स्टेप्स में लिख देते हैं। अच्छा, v1 वेक्टर को क्या लिख सकते हो तुम, v1 आई कैप लिख सकते हैं क्या, बताओ, ये क्या पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में। v2 वेक्टर को चलो क्या लिख सकते हैं, ये लिखना सीखा था, करे थे बहुत सारे वेक्टर्स, इसको लिए क्या लिखेंगे, v2 cos थीटा j कैप, और इसको क्या लिखेंगे, v2 sin थीटा माइनस आई कैप। तो ये तुम्हारा v2 sin थीटा माइनस आई कैप प्लस v2 cos थीटा j कैप। देखो, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये v1 वेक्टर v2 वेक्टर लिख सकते हैं। और हमने क्या बोला है, हमारी नेट वेलोसिटी इज नथिंग बट इन दोनों का वेक्टर एडिशन है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर है हमारी। तो नेट वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आ रही है, तो v1 और v2 को ऐड करा है ना, तो i और i वाले को ऐड करते हुए बताइए, तो क्या आ रहा है, v1 माइनस v2 sin थीटा i कैप प्लस v2 cos थीटा j कैप, यही तो लिखा था मैंने। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या बोला है, बताओ आगे क्या करें, हमने क्या बोला है, डेटा क्या दिया है क्वेश्चन में, नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू v1, मतलब कौन से डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी, जे कैप में है। तो इससे तुम क्या बोल सकते हो, इस इक्वेशन को देख के, ये बोला है ना नेट वेलोसिटी सिर्फ जे कैप में है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट जीरो होना चाहिए ना, बोल रखा है ना, उसमें क्या बोला है कि नेट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो है, मतलब v1 माइनस v2 sin थीटा तुम्हारा क्या होगा, जीरो। तो v1 इक्वल टू क्या आ गया, v2 sin थीटा, थीटा निकालना था, थीटा निकल गया तुम्हारा, sin थीटा कितना आ गया, v1 / v2। पहला सॉल्व हो गया क्वेश्चन, दूसरा भी सॉल्व हो गया, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा था ना, अरे ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो नेट वेलोसिटी क्या आ गई तुम्हारी, v2 cos थीटा j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट v2 cos थीटा। देखो हमने फिर से क्या करा, हमें दो वेक्टर दिए थे, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना था, और बोला था इसका रिजल्टेंट ये आ रहा है, रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं बताई थी पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दिया था। तो हमने सबसे पहले तो सबको x और y में ब्रेक करा, दोनों वे को i कैप और j कैप में लिखा, फिर उसने बोला था कि v नेट वेक्टर उन दोनों का एडिशन है, तो एडिशन कर दिया, ये निकल के आया। अब कहा था कि v नेट वेक्टर सिर्फ y डायरेक्शन में है, मतलब x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो है, तो ये जीरो होना चाहिए। तो v1 इक्वल टू v2 sin थीटा करा, तो sin थीटा की वैल्यू निकल गई, v1 / v2, v1 और v2 की वैल्यू दी होगी तो तुम निकाल लोगे थीटा क्या है ना। फिर v नेट की वैल्यू पूछी थी, अब ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो बचा कैसे, v2 cos थीटा j कैप, इसकी वैल्यू कितनी आई, v2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा देखो, इसमें हमने करा गया, फिर से देखो, हमने बोला था कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, अब इतना, अब इसको बिना, अब हमें करना है इतने अच्छे से समझना है कि i कैप j कैप में लिखना भी ना पड़े, बिना उसके हो जाए। तो अगर मैंने बोला है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो खुद सोचो कि इसको कैंसिल कौन करेगा, v1 को, v2 का कंपोनेंट ही तो कैंसिल कर सकता है। तो इसको तुरंत लिखने देना था कि v1 इक्वल टू v2 sin थीटा, देख के ही लिखना चाहिए था, है ना। अब इस डायरेक्शन में तो खत्म, किस डायरेक्शन में बचा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में सिर्फ इसका एक ही कंपोनेंट तो बच रहा है, v2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, v2 cos थीटा। यहाँ पे हमने v नेट को बड़ा बना रखा है, एक्चुअली में v नेट बिल्कुल इसके बराबर ही आएगा, यही होगा v नेट और यही होगा v2 cos थीटा, यही तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो लिख लेना, लिख लेना साइड में, इट विल बी यूज्ड इन मैन रिवर प्रॉब्लम इन काइनेमेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स में इसको हम यूज करेंगे।
चलो एक क्वेश्चन और करते जल्दी से। देखो थ्री फोर्सेस 4 न्यूटन 8 न्यूटन एंड 12 न्यूटन आर एक्टिंग अलोंग द एजेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स। तो देखो ऐसी कोई सिचुएशन होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा 60 60 60 डिग्री है ना, तो हमने बोला अलोंग लग रहा है, तो एक 4 न्यूटन मान लो ऐसा होगा, 8 न्यूटन वाला कुछ ऐसा होगा, 12 न्यूटन वाला कुछ ऐसा होगा। ये थोड़ी ना बोला कि वो तीनों मिलके क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, उसके पैरेलल लग रहे हैं, तो सिर्फ डायरेक्शन मिल रहा है, वो क्लोज लूप नहीं बना रहे ये तीन फोर्स, ये समझ में आ रहा है, उसके अलोंग लग रहे हैं। तो मान लो एक्स वाई एक्सिस कुछ भी मान लो, मान लो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ऐसे मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लो, तो 8 न्यूटन तुम्हारा किधर लग गया, बना दो 8 न्यूटन ये लग गया, सबको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो उठा के ना, इसको यहाँ पे कर दिया, इस 12 न्यूटन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसका एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? अगर ये 60 डिग्री है तो ये यही इसको 60 ही लिख दो यहाँ पे ना, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 4 न्यूटन को उठा के इधर रख दो, कोई बता सकता है ये 4 न्यूटन वाला क्या एंगल बनाएगा? ये हॉरिजॉन्टल से इधर पे बना रहा है 60, तो हॉरिजॉन्टल से इधर पे 60 बनाएगा, समझ में आया? तीनों के एक कॉमन पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन पे एक्स वाई एक्सिस पे, अब तीनों के कंपोनेंट निकालो, कर दो सॉल्व। चलो देखो यहाँ पे, चलो अब करते, बहुत हो गया तुम्हारा, कंपोनेंट निकालो, ये तो ऑलरेडी एक्स वाई एक्स में, इसका कंपोनेंट क्या आएगा 4 cos 60, इसका कंपोनेंट कितना आएगा, इसका कंपोनेंट कितना आएगा 12 cos 60, इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ठीक है बताओ। अब ये इनके कंपोनेंट निकाल दिए, इनको मिटा दो, अब इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनको इनको तोड़ के ही तो वो बनाए, ठीक है। तो चलो बताओ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 4 cos 60, 4 + 12 cos 60 कितना हुआ 16 cos 60, और cos 60 तुम्हारा होता है हाफ, तो इस डायरेक्शन में कितना आ गया 8, ऐसा कुछ नहीं निकल के आ गया घना, तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, दिख रहा है क्या? सही, अब तो निकाल ही लोगे, 12 sin 60 -4 sin 60। अच्छा ऊपर जाएगा नेट या नीचे जाएगा, ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ नेट कितना आएगा 12 - 4 sin 60 विच इज 8 sin 60, तो 8 sin 60 कितना है 8 √3/2, तो कितना आ गया 4√3, तो तुम्हारा नेट फोर्स कितना है, और उसका डायरेक्शन भी बता देते, तुम्हारा नेट फोर्स इधर कहीं आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 4√3, तो ये होगा रिजल्टेड। ये समझ में आया, इस डायरेक्शन में जीरो हो गया, नहीं आया समझ में, इसका 4 cos 60 आया और 12 cos 60 आया, चलो बताओ 4 cos 60 और 12 cos 60 कितना होगा, 4 cos 60 degree + 12 cos 60 degree कितना आया 16 cos 60 degree, cos 60 degree कितना होता है हाफ, तो कितना आ गया 8, तो इस डायरेक्शन में 8 आया, इस डायरेक्शन में भी 8 है 0। देखो ये सब मुँह जुबानी में होना चाहिए, तुम्हें लिखना नहीं है, क्यों कितनी बार समझोगे, पेपर में इतनी सी जगह होती है नीचे, ये सब चीज़ें दिमाग में सॉल्व करनी है, लिखने वाला एग्जाम नहीं है अब ये। ऊपर अब 12 sin 60 ऊपर था, नीचे कितना था 4 sin 60, तो 12 sin 60 -4 sin 60 कितना आया 8 sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो आ गया ना 4√3, तो इस डायरेक्शन में 8 आया, इस डायरेक्शन में 4√3 आया, पर इस 8 को इस वाले 8 ने कैंसिल कर दिया, ऊपर के डायरेक्शन में 4√3 बचा।